अध्याय छे चित्त वृत्ति निरोध खंड एक आत्मोद्धार की आकांक्षा। पांचवें अध्याय में हम कल्पना और विचार के द्वारा देख सके कि मनुष्य की ऊंची से ऊंची उड़ान कहां तक जा सकती है। कर्म विकर्म अकर्म यह मिलकर सारी साधना पूर्ण होती है। कर्म स्थूल वस्तु है, जो जो सधर्म कर्म हम करें उसमें हमारे मन का सहयोग होना चाहिए। मानसिक शिक्षण के लिए जो कर्म करना पड़ता है वो विकर्म विशेष कर्म अथवा सूक्ष्म कर्म है। आवश्यकता कर्म और विकर्म दोनों की है। इन दोनों का प्रयोग करते करते अकर्म की भूमिका तैयार होती है। पिछले अध्याय में देख लिया कि इस भूमिका में कर्म और संन्यास दोनों एक रूप ही हो जाते हैं। अब छठे अध्याय के आरंभ में फिर कहा है कि कर्मयोग की भूमिका संन्यास की भूमिका से अलग दिखाई देने पर भी अक्षरशः एक रूप है, केवल दृष्टि का अंतर है। पांचवें अध्याय में जिस अवस्था का वर्णन किया गया है उसके साधन खोजना यह बाद के अध्यायों का विषय है। कई लोगों की ऐसी एक भ्रामक कल्पना है कि परमार्थ गीता आदि ग्रंथ साधुओं के लिए ही हैं। एक गृहस्थ ने कहा, मैं कोई साधु नहीं हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि साधु नाम के कोई प्राणी हैं जिनमें से वे नहीं हैं। जैसे घोड़े सिंह भालू गाय आदि प्राणी हैं, वैसे ही साधु नाम के भी कोई प्राणी हैं और परमार्थ की कल्पना केवल उन्हीं के लिए है। शेष जो व्यवहारिक जगत में रहते हैं वे मानो किसी और जाति के हैं, उनके विचार अलग आचार अलग। इस कल्पना ने साधु संत और व्यवहारिक लोग ऐसी दो अलग अलग जातियां बना दी हैं। गीता रहस्य में तिलक महाराज ने इस बात की ओर ध्यान खींचा है। गीता ग्रंथ सर्वसाधारण व्यवहारिक लोगों के लिए है, यह उनका कथन मैं अक्षरशः सही मानता हूं। भगवद गीता सारे संसार के लिए है। परमार्थ विषयक समस्त साधन प्रत्येक व्यवहारिक मनुष्य के लिए हैं। परमार्थ सिखाता है कि अपना व्यवहार शुद्ध और निर्मल रखकर मन का समाधान और शांति कैसे प्राप्त की जाए। व्यवहार शुद्ध कैसे किया जाए ये सिखाने के लिए गीता है। जहां जहां आप व्यवहार करते हैं वहां वहां गीता आती है, परंतु वो आपको वहां का वहां रखना नहीं चाहती। आपका हाथ पकड़कर वो अंतिम मंजिल तक आपको ले जाएगी। एक प्रसिद्ध कहावत है, पर्वत यदि मोहम्मद के पास ना आए तो मोहम्मद पर्वत के पास जाएगा। मोहम्मद को ये चिंता है कि मेरा संदेश जड़ पर्वत तक भी पहुंचे। पर्वत जड़ है, इसलिए मोहम्मद उसके आने की बाट नहीं जोहता रहेगा। यही बात गीता ग्रंथ की है। कैसा भी दीन दुर्बल हो, गंवार से गंवार हो, गीता उसके पास पहुंच जाएगी। परंतु इसलिए नहीं कि उसे यथास्थान रहने दे, बल्कि इसलिए कि उसे हाथ पकड़कर आगे ले आए, ऊपर उठाए। गीता चाहती है कि मनुष्य अपना व्यवहार शुद्ध करके परमोच्च स्थिति को प्राप्त करे, इसी के लिए गीता है। अतएव मैं जड़ हूं, व्यवहारी हूं, सांसारिक जीव हूं, ऐसा कहकर अपने आसपास बाड़ मत लगाओ। मत कहो कि मेरे हाथ से क्या होगा, इस 3.5 हाथ के शरीर में ही मेरा सार सर्वस्व है। ऐसी बंधनों की या कारागृह जैसी दीवारें अपने आसपास खड़ी करके पशुवत व्यवहार मत करो। तुम तो आगे बढ़ने की, ऊपर चढ़ने की हिम्मत रखो। उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, ऐसी हिम्मत रखो कि मैं अपने को अवश्य ऊपर ले जाऊंगा। यह मानकर कि मैं शुद्र सांसारिक जीव हूं, मन की शक्ति को मार मत डालो। कल्पना के पंख काटो मत, अपनी कल्पना को विशाल बनाओ। चंडूल का उदाहरण अपने सामने रखो। प्रातःकाल सूर्य को देखकर चंडूल कहता है कि मैं सूर्य तक उड़ जाऊंगा। वैसा ही हमें बनना चाहिए। अपने दुर्बल पंखों से चंडूल बेचारा कितना ही ऊंचा उड़े तो भी वो सूर्य तक कैसे पहुंचेगा, परंतु अपनी कल्पना शक्ति द्वारा वो सूर्य को अवश्य पा सकता है। हमारा आचरण उससे उलट होता है। हम जितने ऊंचे जा सकते थे उतने भी न जाकर अपनी कल्पना और भावनाओं द्वारा प्रतिबंध लगाकर अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं। अपने पास जो शक्ति है उसे भी हम हीन भावना के कारण नष्ट कर डालते हैं। जहां कल्पना के ही पांव टूट गए वहां फिर नीचे गिरने के सिवा क्या गति होगी। अतः कल्पना का रुख हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। कल्पना की सहायता से मनुष्य आगे बढ़ता है, अतः कल्पना को सिकोड़ मत डालो। धोपट मार्गा सोणू नको, संसारा मधिम एस आपुला उगा च भटकन फिरू नको। घिसे पिटे मार्ग को मत छोड़ो, संसार में अपनी जगह चुपचाप पड़े रहो, इधर उधर व्यर्थ भटका मत करो, ऐसा रोना मत रोते रहो।
आत्मा का अपमान मत करो। साधक के पास यदि विशाल कल्पना होगी, आत्मविश्वास होगा, तभी वो टिक सकेगा, इसी से उद्धार होगा। परंतु धर्म तो साधु संतों के लिए ही है। साधु संतों के पास गए भी तो तुम जिस भूमिका में हो उसमें यही व्यवहार उचित है, ऐसा प्रशस्ति पत्र लेने के लिए। ये कल्पना छोड़ दो, ऐसी भेदात्मक कल्पनाएं करके अपने को बंधन में मत डालो। यदि उच्च आकांक्षा नहीं रखोगे तो कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकोगे। यह दृष्टि, यह आकांक्षा, ये महान भावना यदि हो तब तो साधनों की उठापटक आवश्यक है, नहीं तो फिर सारा किस्सा ही समाप्त। बाह्य कर्म की सहायता के लिए मानसिक साधन रूपी विकर्म बताया है। कर्म की सहायता के लिए विकर्म निरंतर चाहिए। इन दोनों की सहायता से अकर्म की जो दिव्य स्थिति प्राप्त होती है वो और उसके प्रकार पांचवें अध्याय में देखे। इस छठे अध्याय से विकर्म के प्रकार बताए गए हैं, मानसिक साधना बताई गई है। इस मानसिक साधना को समझाने से पहले गीता कहती है, हे मेरे जीव, तुम देव हो सकते हो, तुम ये दिव्य आकांक्षा रखो, मन को मुक्त रखकर उसके पंखों को सुदृढ़ बनाओ। साधना के, विकर्म के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, भक्ति योग, ध्यान, ज्ञान विज्ञान, गुण विकास, आत्मानात्म विवेक आदि नाना प्रकार हैं। छठे अध्याय में ध्यान योग नामक साधना का प्रकार बताया गया है। अध्याय 6, खंड 2, चित्त की एकाग्रता। ध्यान योग में तीन बातें मुख्य हैं, एक चित्त की एकाग्रता, दो चित्त की एकाग्रता के लिए उपयुक्त जीवन की परिमितता, और तीन साम्य दशा या समदृष्टि। इन सब बातों के बिना सच्ची साधना नहीं हो सकती। चित्त की एकाग्रता का अर्थ है चित्त की चंचलता पर अंकुश। जीवन की परिमितता का अर्थ है सब क्रियाओं का नपातुला होना। समदृष्टि का अर्थ है विश्व की ओर देखने की उदार दृष्टि। इन तीन बातों से ध्यान योग बनता है। इस त्रिविध साधना के भी साधन हैं, वे हैं अभ्यास और वैराग्य। इन पांचों बातों की थोड़ी सी चर्चा हम यहां करें। पहले चित्त की एकाग्रता को लीजिए। किसी भी काम में चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। व्यवहारिक बातों में भी चित्त की एकाग्रता चाहिए। ये बात नहीं कि व्यवहार में अलग गुणों की जरूरत है और परमार्थ में अलग। व्यवहार को शुद्ध करने का ही अर्थ है परमार्थ। कैसा भी व्यवहार हो, उसकी सफलता और असफलता आपकी एकाग्रता पर अवलंबित हैं। व्यापार, व्यवहार, शास्त्र शोधन, राजनीति, कूटनीति, किसी को भी ले लीजिए, इसमें जो कुछ सफलता मिलेगी वो उन उन पुरुषों के चित्त की एकाग्रता के अनुसार मिलेगी। नेपोलियन के लिए कहा जाता है, जहां वो युद्ध की व्यवस्था एक बार ठीक ठाक लगा देता कि फिर समर भूमि में गणित के सिद्धांत हल किया करता था। ढेरों तंबुओं पर गोले बरसते, सैनिक मरते, परंतु नेपोलियन का चित्त अपने गणित में ही मग्न रहता। मैं ये नहीं कहता कि नेपोलियन की एकाग्रता बहुत बड़ी थी, उससे भी ऊंचे दर्जे की एकाग्रता के उदाहरण दिए जा सकते हैं। खलीफा उमर की ऐसी ही बात कही जाती है, बीच लड़ाई में जब नमाज का वक्त हो जाता तो वे वहीं समर भूमि में चित्त एकाग्र करके घुटने टेक कर नमाज पढ़ने लगते, और उनका चित्र इतना एकाग्र हो जाता कि उन्हें ये होश भी न रहता था कि किसके आदमी कट रहे हैं। पहले के मुसलमानों की इस परमेश्वर निष्ठा के ही कारण, इस एकाग्रता के कारण ही इस्लाम धर्म फैला। उस दिन मैंने एक कहानी सुनी। एक फकीर था, उसके शरीर में तीर घुस गया। इससे उसे बड़ी वेदना हो रही थी। तीर खींचने की चेष्टा करने जाए तो हाथ लगते ही वेदना और बढ़ जाती थी। इससे वो तीर भी नहीं खींचा जा सकता था। आज की तरह क्लोरोफॉर्म जैसी बेहोश करने की दवा उस समय थी नहीं। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कुछ लोग उस फकीर को जानते थे। वे आगे आकर बोले, तीर अभी मत निकालो, जब फकीर नमाज पढ़ने बैठेगा तब निकाल लेंगे। शाम की नमाज का वक्त हुआ, फकीर नमाज पढ़ने लगा। पल भर में ही उसका चित्त इतना एकाग्र हो गया कि तीर उसके बदन से निकाल लिया गया तो भी उसे पता नहीं लगा। कैसी जबरदस्त है ये एकाग्रता। सारांश यह है कि व्यवहार हो या परमार्थ, चित्त की एकाग्रता के बिना उसमें सफलता मिलना कठिन है। यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर सामर्थ्य की कभी कमी ना पड़ेगी। 60 वर्ष के बूढ़े होने पर भी किसी नौजवान की तरह आप में उत्साह और सामर्थ्य दीख पड़ेगा। मनुष्य ज्यों ज्यों बुढ़ापे की तरफ बढ़े त्यों त्यों उसका मन अधिक मजबूत होता जाना चाहिए। फल को ही देखिए ना, पहले वो हरा होता है फिर पकता है,
फिर सड़ता है, गलता है और मिट जाता है, परंतु उसका भीतर का बीज उत्तरोत्तर कड़ा होता जाता है। यह बाहरी शरीर सड़ जाएगा, गिर जाएगा, परंतु बाहरी शरीर फल का सार सर्वस्व नहीं है। उसका सार सर्वस्व उसकी आत्मा तो है बीज, यही बात शरीर की है। शरीर भले ही बूढ़ा होता चला जाए, परंतु स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही रहनी चाहिए, बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। मनुष्य कहता है, आजकल मेरी स्मरण शक्ति कम हो गई है। क्यों? अब बुढ़ापा आ गया है। तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति है, वो तुम्हारा बीज है। शरीर बूढ़ा होने से ज्यों-ज्यों ढीला पड़ता जाए, त्यों-त्यों आत्मा बलवान होती जानी चाहिए। इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्रता कैसे साधें? अब एकाग्रता तो चाहिए, पर वो हो कैसे? उसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, आत्मा में मन को स्थिर करके दूसरा कुछ भी चिंतन ना करें, न किंचिदपि चिंतयेत। परंतु ये सधे कैसे? मन को बिल्कुल शांत करना बड़े महत्व की बात है। विचारों के चक्र को जोर से रोके बिना एकाग्रता होगी कैसे? बाहरी चक्र तो किसी तरह रोक भी लिया जाए, परंतु भीतरी चक्र तो चलता ही रहता है। चित्त की एकाग्रता के लिए ये बाहरी साधन जैसे जैसे काम में लाते हैं, वैसे वैसे भीतर का चक्र अधिक वेग से चलने लगता है। आप आसन जमा कर तन कर बैठ जाइए, आंखें स्थिर कर लीजिए, परंतु इतने से मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। मुख्य बात यह है कि मन का चक्र बंद करना सधना चाहिए। बात यह है कि बाहर का ये अपरंपार संसार जो हमारे मन में भरा रहता है, उसको बंद किए बिना एकाग्रता का सधना अशक्य है। अपनी आत्मा की अपार ज्ञान शक्ति हम बाह्य शुद्र वस्तुओं में खर्च कर डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह दूसरे को न लूटते हुए स्वयं अपने प्रयत्न से धनी बनने वाला पुरुष आवश्यकता के बिना खर्च नहीं करता, उसी तरह हमें भी अपनी आत्मा की ज्ञान शक्ति शुद्र बातों के चिंतन में खर्च नहीं करनी चाहिए। यह ज्ञान शक्ति हमारी अमूल्य थाती है, परंतु हम उसे स्थूल विषयों में खर्च कर डालते हैं। ये साग अच्छा नहीं बना, इसमें नमक कम पड़ा। अरे भाई, कितनी रत्ती नमक कम पड़ा? नमक तनिक सा कम पड़ा, इस महान विचार में ही हमारा ज्ञान खर्च हो जाता है। बच्चों को पाठशाला की चार दीवारी के अंदर ही पढ़ाते हैं। कहते हैं कि यदि पेड़ के नीचे पढ़ाएंगे तो कौवे, कोयल और चिड़ियां देखकर उनका मन एकाग्र नहीं होगा। बच्चे ही जो ठहरे, कौवे चिड़ियां नहीं दिखी तो हो गई उनकी एकाग्रता। परंतु हम हो गए हैं घोड़े, हमारे अब सींग निकल आए हैं। हमें सात सात दीवालों के भीतर भी किसी ने बंद कर रखा तो भी हमारे मन की एकाग्रता नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया की फालतू बातों की चर्चा हम करेंगे। जो ज्ञान परमेश्वर की प्राप्ति करा सकता है, उसे हम साग सब्जी के जायके की चर्चा करने में ही खो देते हैं और उसमें कृतार्थता मानते हैं। दिन रात ऐसा भयानक संसार हमारे चारों ओर, भीतर बाहर धू धू करता रहता है। प्रार्थना अथवा भजन करने में भी हमारा हेतु बाहरी ही रहता है। परमेश्वर से तन्मय होकर एक क्षण के लिए तो संसार को भुला दें, लेकिन ये भावना ही नहीं रहती। प्रार्थना भी एक दिखावा होता है। जहां मन की ऐसी स्थिति है, वहां आसन जमा कर बैठना, आंख मूंदना सब व्यर्थ है। मन की दौड़ निरंतर बाहर की ओर लगे रहने से मनुष्य का सारा सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था, नियंत्रण शक्ति मनुष्य में नहीं रहती। इसका अनुभव आज हमारे देश में पग पग पर हो रहा है। वास्तव में भारतवर्ष तो परमार्थ भूमि है। यहाँ के लोग पहले से ही ऊंची हवा में उड़ने वाले समझे जाते हैं, पर ऐसे देश में हमारी आपकी क्या दशा है? छोटी छोटी चीजों की हम इतनी बारीकी से चर्चा करते हैं, जिसे देखकर दुख होता है। शुद्र विषयों में ही हमारा चित्त डूबा रहता है। कथा पुराण एकता, झोपे नाडिले तत्वता, खाटे वरी पड़ता, व्यापी चिंता तड़मड़, ऐसी गहन कर्म गति कायतया सी रड़ती। कथा पुराण श्रवण करने जाते हैं तो निद्रा सताती है, और बिस्तर पर लेटते हैं तो चिंता और बेचैनी रहती है। ऐसी कर्म की गहन गति है, क्या किया जाए? कथा पुराण सुनने के लिए जाते हैं तो वहां नींद आ घेरती है, और नींद लेने जाते हैं तो वहां चिंता और विचार चक्र शुरू हो जाता है। एक ओर शून्याग्रता, दूसरी ओर अनेकाग्रता, एकाग्रता का कहीं पता नहीं। मनुष्य इंद्रियों का इतना गुलाम है। एक बार किसी ने पूछा, आंखें अर्धोन्मीलित रखनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है? मैंने कहा, सीधा साधा उत्तर देता हूं, आंखें पूरी मूंद लें
तो नींद आ जाती है, खुली रखें तो चारों ओर दृष्टि जाकर एकाग्रता नहीं होती, आंखें मूंदने से नींद लग जाती है, ये तमोगुण हुआ। खुली रखने से दृष्टि सब जगह जाती है, ये रजोगुण हुआ। इसलिए बीच की स्थिति कही है। तात्पर्य ये है कि मन की बैठक बदले बिना एकाग्रता नहीं हो सकती। मन की स्थिति शुद्ध होनी चाहिए, केवल आसन जमाकर बैठने से वो प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए हमारे सब व्यवहार शुद्ध होने चाहिए। व्यवहार शुद्ध करने के लिए उसका उद्देश्य बदलना चाहिए। व्यवहार व्यक्तिगत लाभ के लिए, वासना तृप्ति के लिए अथवा बाहरी बातों के लिए नहीं करना चाहिए। व्यवहार तो हम दिन भर करते रहते हैं, आखिर दिन भर की इस खटपट का हेतु क्या है? याज साठी केला होता अट्टहास, शेवट चा दिस गोड़ भावा। ये सारा परिश्रम इसीलिए तो किया था कि अंत की घड़ी मीठी हो। सारी खटपट, सारी दौड़ धूप इसीलिए ना कि हमारा अंतिम दिवस मधुर हो जाए। जिंदगी भर कड़ुआ विष क्यों पचाते रहे? इसीलिए कि अंतिम घड़ी, वो मरण, पवित्र हो। दिन की अंतिम घड़ी शाम को आती है। आज के दिन का सारा काम यदि पवित्र भाव से किया होगा तो रात की प्रार्थना मधुर होगी। वो दिन का अंतिम क्षण यदि मधुर हो गया तो दिन का सारा काम सफल हुआ समझो, तब मन एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता के लिए ऐसी जीवन शुद्धि आवश्यक है। बाह्य वस्तुओं का चिंतन छूटना चाहिए। मनुष्य की आयु बहुत नहीं है, परंतु इस छोटी सी आयु में भी परमेश्वरीय सुख का अनुभव लेने का सामर्थ्य है। दो मनुष्य बिल्कुल एक ही सांचे में ढले, एक सी छाप लगे हुए, दो आंखें, उनके बीच एक नाक और उस नाक में दो नासापुट। इस तरह बिल्कुल एक से होकर भी एक मनुष्य देवतुल्य होता है तो दूसरा पशु तुल्य। ऐसा क्यों होता है? एक ही परमेश्वर के बाल बच्चे हैं, अवघी एका चवीण, सब एक ही खाने के, तो फिर ये फर्क क्यों पड़ता है? ये दो व्यक्तियों की जाति एक है, ऐसा विश्वास नहीं होता। एक नर का नारायण है तो दूसरा नर का वानर। मनुष्य कितना ऊंचा उठ सकता है, इसका नमूना दिखाने वाले लोग पहले भी हो गए हैं, आज भी हमारे बीच हैं। ये अनुभव की बात है। इस नर देह में कितनी शक्ति है, इसको दिखाने वाले संत पहले हो गए हैं और आज भी हैं। इस देह में रहकर यदि मनुष्य ऐसी महान करनी कर सकता है तो फिर भला मैं क्यों ना कर सकूंगा? मैं अपनी कल्पना को मर्यादा में क्यों बांध लूं? जिस नरदेह में रहकर दूसरे नरवीर हो गए, वही नरदेह मुझे भी मिली है, फिर मैं ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं मुझसे भूल हो रही है। मेरा यह चित्त सदैव बाहर जाता रहता है, दूसरे के गुण दोष देखने में वो बहुत आगे बढ़ गया है, परंतु मुझे दूसरों के गुण दोष देखने की जरूरत क्या है? कासया गुण दोष पाहूं आणि कांचे, मजकाय त्याचे उणे असे। दूसरों के गुण दोष क्यों देखूं? मुझमें क्या उनकी कमी है? खुद मुझमें क्या दोष कम है? यदि मैं सदैव दूसरों की छोटी मोटी बातें देखने में तल्लीन रहा तो फिर मेरे चित्त की एकाग्रता सधेगी कैसे? उस दशा में मेरी स्थिति दो ही प्रकार की हो सकती है, एक तो शून्य अवस्था अर्थात नींद, और दूसरी अनेकाग्रता, तमोगुण और रजोगुण में ही उलझा रहूंगा। भगवान ने चित्त की एकाग्रता के लिए इस तरह बैठो, इस तरह आंखें रखो, इस तरह आसन जमाओ आदि सूचनाएं नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। परंतु इन सबसे लाभ तभी होगा जब पहले चित्त की एकाग्रता के हम कायल हों। मनुष्य के चित्त में पहले यह जम जाए कि चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, फिर तो मनुष्य खुद ही उसकी साधना और मार्ग ढूंढ निकालेगा। अध्याय 6 खंड 4 जीवन की परिमितता। चित्त की एकाग्रता में सहायक दूसरी बात है जीवन की परिमितता। हमारा सब काम नपातुला होना चाहिए। गणित शास्त्र का ये रहस्य हमारी सब क्रियाओं में आ जाना चाहिए। औषधि जैसे नापतोल कर ली जाती है, वैसे ही आहार निद्रा भी नपीतुली होनी चाहिए। सब जगह नापतोल चाहिए, प्रत्येक इंद्रिय पर पहरा बैठना चाहिए। मैं ज्यादा तो नहीं खाता, अधिक तो नहीं सोता, जरूरत से ज्यादा तो नहीं देखता, इस प्रकार सतत बारीकी से जांच करते रहना चाहिए। एक भाई किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे थे कि वे किसी के कमरे में जाते तो एक मिनट में उनकी निगाह में आ जाता था कि कमरे में कहां क्या रखा है। मैंने मन में कहा, भगवान ये महिमा मुझे ना प्राप्त हो। क्या मैं उसका सचिव हूं जो 5-25 चीजों की सूची मन में रखूं? क्या मुझे चोरी करनी है? साबुन यहां था, घड़ी वहां थी, इससे मुझे क्या करना? इस ज्ञान की मुझे क्या जरूरत? आंखों का ये वाहियातपन
मुझे छोड़ देना चाहिए। यही बात कान की है, कान पर भी पहरा रखो। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि कुत्तों की तरह हमारे कान होते तो कितना अच्छा होता, जिधर चाहते उधर एक क्षण में उन्हें हिला सकते थे। मनुष्य के कान में परमात्मा ने ये कसर ही रख दी, परंतु कान का ये वाहियातपन हमें नहीं चाहिए। वैसे ही ये मन भी जबरदस्त है, जरा कहीं खटका हुआ, आहट हुई कि गया उधर ध्यान। अतः जीवन में नियमन और परिमितता लाएं, खराब चीज ना देखें, खराब किताब ना पढ़ें, निंदा स्तुति ना सुने, सदोष वस्तु तो दूर, निर्दोष वस्तुओं का भी आवश्यकता से अधिक सेवन ना करें। लोलुपता किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। शराब, पकौड़ी, रसगुल्ले तो होने ही नहीं चाहिए, परंतु संतरे, केले, मौसम्बी भी बहुत नहीं चाहिए। फलाहार यूं शुद्ध आहार है, परंतु वो भी मनमाना नहीं होना चाहिए। जीभ का स्वेच्छाचार भीतरी मालिक को सहन नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को यह भय रहे कि यदि हम ऊटपटांग बरतेंगे तो भीतर का मालिक हमें जरूर सजा देगा। नियमित आचरण को ही जीवन की परिमितता कहते हैं। अध्याय 6 खंड 5 मंगल दृष्टि। तीसरी बात है समदृष्टि होना। समदृष्टि का अर्थ ही है शुभ दृष्टि। शुभ दृष्टि प्राप्त हुए बिना चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। सिंह इतना बड़ा वनराज है, परंतु चार कदम चलकर पीछे देखता है। हिंसक सिंह को एकाग्रता कैसे प्राप्त होगी? शेर, कौवे, बिल्ली, इनकी आंखें हमेशा घूमती रहती हैं। इनकी निगाह चौकन्नी, घबराई हुई होती है। हिंस्र प्राणियों का ऐसा ही हाल रहेगा। साम्य दृष्टि आनी चाहिए। ये सारी सृष्टि मंगलमय लगनी चाहिए। जैसे मुझे खुद अपने पर विश्वास है, वैसा ही सारी सृष्टि पर मेरा विश्वास होना चाहिए। यहां डरने की बात ही क्या है, सब कुछ शुद्ध और पवित्र है। विश्वम तद्भद्रम यदवंति देवा। ये विश्व मंगलमय है क्योंकि परमेश्वर इसकी सार संभाल करता है। अंग्रेज कवि ब्राउनिंग ने भी ऐसा ही कहा है, ईश्वर आकाश में विराजमान है और सारा विश्व ठीक ही चल रहा है। विश्व में कुछ भी बिगाड़ नहीं है। अगर वो बिगाड़ कहीं है तो वो मेरी दृष्टि में है। जैसी मेरी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि मैं लाल रंग का चश्मा चढ़ा लूंगा तो सारी सृष्टि लाल ही लाल दिखाई देगी, जलती हुई दिखाई देगी। रामदास रामायण लिखते जाते थे और शिष्यों को पढ़कर सुनाते जाते थे। हनुमान भी गुप्त रूप से उसे सुनने के लिए आकर बैठते थे। समर्थ रामदास ने लिखा था, हनुमान अशोक वन में गए, वहां उन्होंने सफेद फूल देखे। ये सुनते ही वहां झट से हनुमान प्रकट हो गए और बोले, मैंने सफेद फूल बिल्कुल नहीं देखे, लाल देखे थे। आपने गलत लिखा है, उसे सुधार लीजिए। समर्थ ने कहा, मैंने ठीक लिखा है, आपने सफेद ही फूल देखे थे। हनुमान ने कहा, मैं खुद वहां गया था और मैं ही झूठा। अंत में झगड़ा रामचंद्र जी के पास गया। उन्होंने कहा, फूल तो सफेद ही थे, परंतु हनुमान की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, इसलिए शुभ्र फूल उन्हें लाल दिखाई दिए। इस मधुर कथा का आशय यही है कि संसार की ओर देखने की जैसी हमारी दृष्टि होगी, संसार भी हमें वैसा ही दिखाई देगा। यदि हमारे मन को इस बात का निश्चय ना हो कि ये सृष्टि शुभ है, तो चित्त की एकाग्रता नहीं हो सकती। जब तक मैं ये समझता रहूंगा कि सृष्टि बिगड़ी हुई है, तब तक मैं सशंक दृष्टि से चारों तरफ देखता रहूंगा। कवि पक्षियों की स्वतंत्रता के गीत गाते हैं, उनसे कहना चाहिए कि जरा एक बार पक्षी होकर देखो तो, फिर उनकी आजादी की सही कीमत मालूम हो जाएगी। पक्षियों की गर्दन बराबर आगे पीछे सतत नाचती रहती है, उन्हें सतत दूसरों का भय लगा रहता है। चिड़िया को आसन पर ला बिठाओ, क्या वो एकाग्र हो जाएगी? मेरे जरा निकट से जाते ही वो फुर्र से उड़ जाएगी। वो डरेगी कि कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आ रहा है। जिनके दिमाग में ऐसी भयानक कल्पना है कि ये सारी दुनिया भक्षक है, संहारक है, उन्हें शांति कहां? जब तक ये ख्याल दिमाग से नहीं निकलेगा कि अपना रक्षक मैं अकेला ही हूं, बाकी सब भक्षक हैं, तब तक एकाग्रता नहीं सध सकती। समदृष्टि की भावना करना, यही एकाग्रता का उत्तम मार्ग है। आप सर्वत्र मांगल्य देखने लग जाइए, चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। किसी दुखी मनुष्य को कलकल बहने वाली नदी के किनारे ले जाइए, उसके स्वच्छ शांत प्रवाह को देखकर उसकी बेचैनी कम हो जाएगी, वो अपना दुख भूल जाएगा। उस झरने में, उस प्रवाह में इतनी शक्ति कहां से आई? परमेश्वर की शुभ शक्ति उसमें प्रकट हुई है। वेदों में झरने का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, अतिष्ठन्ति नाम अनिवेशना नाम।
ऐसे ये झरने हैं। झरना अखंड बहता है, उसका अपना कोई घरबार नहीं, वो सन्यासी है। ऐसा पवित्र झरना एक क्षण में मेरे मन को एकाग्र बना देता है। ऐसे सुंदर झरने को देखकर प्रेम का, ज्ञान का झरना मेरे मन में क्यों ना निर्माण करूं। ये बाहर का जड़ पानी भी यदि मेरे मन को शांति प्रदान कर सकता है, तो फिर मेरी मानस दरी में यदि भक्ति और ज्ञान का चिन्मय झरना बहने लगे तो कितनी शांति प्राप्त होगी। मेरे एक मित्र हिमालय में कश्मीर में घूम रहे थे। वहां के पवित्र पर्वतों के सुंदर जल प्रवाहों का वर्णन वे लिख लिख कर मुझे भेजते थे। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि जो जल स्रोत, जो पर्वतमाला, जो शुभ समीर तुम्हें वहां अनुपम आनंद देते हैं, उन सब का अनुभव मैं अपने हृदय में करता हूं। अपनी अंतःसृष्टि में मैं नित्य उन सब रमणीय दृश्यों को देखता हूं। अतः तुम्हारे बुलावे पर भी मैं अपने हृदय के इस भव्य दिव्य हिमालय को छोड़कर नहीं आऊंगा। स्थावराणाम हिमालयः। जिस स्थिरता मूर्ति हिमालय की उपासना स्थिरता लाने के लिए करनी है, उसका वर्णन सुनकर यदि मैंने अपना कर्तव्य छोड़ दिया तो उससे क्या लाभ। सारांश, चित्त को जरा शांत कीजिए, सृष्टि की ओर मंगल दृष्टि से देखिए, तो फिर आपके हृदय में अनंत झरने बहने लगेंगे। कल्पनाओं के दिव्य तारे हृदय आकाश में चमकने लगेंगे। पत्थर और मिट्टी की शुभ वस्तु देखकर यदि चित्त शांत हो जाता है, तो फिर अंतःसृष्टि के दृश्य देखकर वो शांत क्यों ना होगा। एक बार मैं त्रावणकोर गया था। एक दिन समुद्र किनारे बैठा था, वो अपार समुद्र, उसकी धू धू गर्जना, सायंकाल का समय, मैं स्तब्ध निश्चेष्ट बैठा था। मेरे मित्र ने वहीं समुद्र किनारे कुछ फल वगैरह खाने के लिए ला दिए। उस समय वो सात्विक आहार भी मुझे विष की तरह लगा। समुद्र की वो ओम ओम गर्जना मुझे मामनुस्मर युद्ध्यचा इस गीता वचन की याद दिला रही थी। समुद्र सतत स्मरण कर रहा था और कर्म भी कर रहा था। एक लहर आई, वो गई और दूसरी आई, उसे एक क्षण के लिए भी विश्रांति नहीं। ये दृश्य देखकर मेरी भूख प्यास उड़ गई थी। आखिर उस समुद्र में ऐसा क्या था? उस खारे पानी की लहरों को उछलते हुए देखकर यदि मेरा हृदय उछलने लगता है, तो फिर ज्ञान और प्रेम का अथाह सागर हृदय में हिलोरे मारने लगे तो मैं कितना नाचूंगा। वैदिक ऋषि के हृदय में ऐसा ही समुद्र हिलोरे मारता था। अंतः समुद्रे हृदय अंतरायुषी घृतस्य धारा अभिचाकशीमी समुद्रा दूरमिर मधुमानुदारत। इस दिव्य भाषा पर भाष्य लिखते हुए बेचारे भाष्यकारों की भी फजीहत होने की नौबत आ गई। कौन सी वो घृत की धारा, कौन सी वो मधु की धारा? मेरे अंत समुद्र में क्या खारी लहरें उठेंगी? नहीं, मेरे हृदय में तो दूध घी और मधु की लहरें हिलोरे मार रही हैं। अध्याय 6 खंड 6 बालक गुरु। हृदय के इस समुद्र को निहारना सीखिए। बाहर के निरभ्र नील आकाश को देखकर चित्त को भी निर्लेप और निर्मल बनाइए। सच पूछो तो चित्त की एकाग्रता एक खेल है। चित्त की व्यग्रता ही अस्वाभाविक और अनैसर्गिक है। छोटे बच्चों की आंखों की ओर एकटक होकर देखो। छोटा बच्चा टकटकी लगाकर देखता है, लेकिन आप 10 बार पलकें गिराएंगे। बच्चों का मन तुरंत एकाग्र हो जाता है। 4-5 महीने के बच्चे को बाहर की हरी भरी सृष्टि दिखलाओ, वो सतत देखता रहेगा। स्त्रियों की तो ऐसी मान्यता है कि बाहर की हरियाली को देखकर उसकी विष्ठा भी हरे रंग की हो जाती है। मानो सब इंद्रियों की आंखें बनाकर वो देखता है। छोटे बच्चे के मन पर किसी भी घटना का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा शास्त्री कहते हैं, शुरू के 2-4 सालों में जो शिक्षा बालकों को मिल जाती है, वही वास्तविक शिक्षा है। आप कितने भी विद्यापीठ, पाठशालाएं, संघ संस्थाएं कायम कीजिए, शुरू में जो शिक्षा मिलती है वैसी फिर आगे नहीं मिल सकती। शिक्षा विषय से मेरा संबंध है। दिन ब दिन मेरा ये निश्चय होता जा रहा है कि इस बाहरी शिक्षा का परिणाम शून्यवत है। आरंभिक संस्कार वज्रलेप हो जाते हैं। बाद के शिक्षण को बाहरी रंग, ऊपरी झिल्ली समझो। साबुन लगाने से ऊपर का दाग, मैल निकल जाता है, परंतु चमड़ी का काला रंग जाएगा क्या? उसी तरह शुरू में जो संस्कार पड़ जाता है उसका मिटना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो ये शुरू के संस्कार बलवान क्यों, बाद के संस्कार कमजोर क्यों? इसलिए कि बचपन में चित्त की एकाग्रता नैसर्गिक रहती है। एकाग्रता होने के कारण जो संस्कार पड़ते हैं वे फिर नहीं मिटते। चित्त की एकाग्रता की ऐसी महिमा है, जिसे यह एकाग्रता प्राप्त हो गई उसके लिए क्या अशक्य है। हमारा सारा जीवन आज
कृत्रिम हो गया है, हमारी बाल वृत्ति मर गई है, नष्ट हो गई है, जीवन में वास्तविक सरसता नहीं, वो शुष्क हो गया है, हम ऊट पटांग जैसे तैसे चल रहे हैं। डार्विन साहब नहीं, बल्कि हम खुद अपनी कृति से ये सिद्ध कर रहे हैं कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। छोटे बच्चों में विश्वास होता है, माँ जो कहे वो उनके लिए प्रमाण। जो कहानियां उनसे कही जाती हैं वे असत्य नहीं मालूम होती, कौआ बोला, चिड़िया बोली, ये सब उन्हें सच मालूम होता है। बच्चों की इस मंगल वृत्ति के कारण उनकी एकाग्रता जल्दी होती है। अध्याय 6 खंड 7 अभ्यास वैराग्य और श्रद्धा। तात्पर्य यह है कि ध्यान योग के लिए चित्त की एकाग्रता, जीवन की परिमितता और शुभ साम्य दृष्टि की जरूरत है। इसके सिवा और भी दो साधन बताए हैं, वैराग्य और अभ्यास। एक है विध्वंसक और दूसरा है विधायक। खेत से घास उखाड़कर फेंकना विध्वंसक काम हुआ, इसी को वैराग्य कहते हैं। उसमें बीज बोना विधायक काम है, मन में सद्विचारों का पुनः पुनः चिंतन करना अभ्यास कहलाता है। वैराग्य विध्वंसक क्रिया है, अभ्यास विधायक क्रिया। अब वैराग्य आए कैसे? हम कहते हैं आम मीठा है, परंतु क्या ये मिठास निरे आम में है? नहीं, आम में नहीं है। हम अपनी आत्मा की मिठास वस्तु में डालते हैं और फिर वो वस्तु मीठी लगती है। अतः भीतरी मिठास को चखना सीखो। केवल बाह्य वस्तु में मधुरता नहीं है, बल्कि वह रसानाम रसतमः, माधुर्य सागर आत्मा मेरे पास है, उसी की बदौलत मीठी वस्तुओं को मिठास मिली है। ऐसी भावना करते रहने से मन में वैराग्य का संचार होता है। सीता माता ने हनुमान को मोतियों का हार दिया, हनुमान मोतियों को चबाता, देखता और फेंक देता। उसमें उसे कहीं राम दिखाई नहीं देता था, राम तो था उसके हृदय में। उन मोतियों के लिए मूर्ख लोग लाख रुपए दे देते। इस ध्यान योग का वर्णन करते हुए भगवान ने एक बहुत ही महत्व की बात शुरू में ही बता दी है, वो ये कि मनुष्य को ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मुझे खुद मेरा उद्धार करना है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ऊंची उड़ान भरूंगा, इस नर देह में ज्यों का त्यों पड़ा नहीं रहूंगा, परमेश्वर के पास जाने का हिम्मत के साथ प्रयत्न करूंगा। ये सब सुनते सुनते अर्जुन के मन में शंका उठी कि भगवान, अब तो हमारी उम्र बीत गई, कुछ दिनों में हम मर जाएंगे, तो फिर ये साधना किस काम आएगी? भगवान ने कहा, मृत्यु का अर्थ तो है लंबी नींद। रोज का काम करके हम 7-8 घंटे सोते हैं, इस नींद से कोई डरता है? बल्कि नींद ना आए तो फिक्र पड़ जाती है। जैसे नींद जरूरी, वैसे ही मौत भी जरूरी है। जैसे नींद से उठकर फिर हम अपना काम प्रारंभ कर देते हैं, वैसे ही मरण के बाद भी पहले की ये सारी साधना हमारे काम आएगी। ज्ञान देव ने ज्ञानेश्वरी में इस प्रसंग पर लिखी ओवियों में मानो अपना आत्मचरित्र ही लिख दिया है। बाल पणी च सर्वज्ञता वरी तयाते, सकड़ शास्त्रें स्वयं भें निघती मुखें। शैशव में ही उन्हें सर्वज्ञता वरण करती है, सारे शास्त्र स्वयं ही मुख से निकलते हैं, आदि वचनों में ये बात दीख पड़ती है। पूर्व जन्म का अभ्यास आपको खींच लेता है। किसी किसी का चित्त विषयों की ओर जाता ही नहीं, वो जानता ही नहीं कि मोह कैसे होता है, क्योंकि पूर्व जन्म में वो उसकी साधना कर चुका है। भगवान ने आश्वासन दिया है, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो मनुष्य कल्याण मार्ग पर चलता है उसका जरा भी श्रम व्यर्थ नहीं जाता। अंत में इस तरह की श्रद्धा बताई है, जो कुछ अपूर्ण है वो अंत में पूरा होकर रहेगा। भगवान के इस उपदेश का स्वारस्य ग्रहण करिए और अपने जीवन को सार्थक करिए।